आपके लिए बनाएंगे आज थार को माफिया थार। यहाँ पर 22 इंची के भाई 22.5 प्रॉपर जो फ्यूल का ओरिजिनल विद जीएसटी बिल अलॉय। तो थार तो भाई हजारों चल रही रोड पे, लेकिन जो एक बार आंखों के आगे से हटना पाए भाई वो वाली थार बनानी है। भाई अभी कैसे बनी गाड़ी? अब ऐसी बनी है भाई गाड़ी के हमारे इलाके में तो 7 गाड़ी होगी ना। जो सबसे प्रीमियम वाला काम है ना वो इसके अंदर फ्रंट लुक के साथ साथ ये देखिए भाई इनसाइड वाला ऑटोमेटिक फुटरेज भाई 80-80 हजार रुपए के फुटरेज मिलते हैं मार्केट में ये वाले आपको। भाई हमारे पास ना सेल प्राइस में आधे से भी ऑलमोस्ट आधे प्राइस के अंदर ये वाला फुटरेज है। ये चेक करो भाई नीचे वाला बम्पर, भाई ये बुलोन कंपनी का बम्पर, साइड में बुलोन का साइन भी देखने के लिए मिलेगा आपको प्रॉपर। तो हमने यहाँ चेक करो वुडन के अंदर ना व्हाइट कलर का टेक्सचर यूज किया हमने, ये व्हाइट कलर के टेक्सचर के अंदर यहाँ 4 चांद लग रहे हैं भाई। यही सेम सीट कवर पे हमने थोड़ा सा टेक्सचर ले लिया। यहाँ साइड फेंडर देखोगे तो आप ये कंपनी से मैट ब्लैक में आते हैं, बट यहाँ पर हमने इसको ग्लॉस किया प्रॉपर गाड़ी के साथ मैच करता हुआ, जिसके संग मिलेगा आपको वायरलेस रिमोट। यहाँ पर इसको आप ऐसे ऑन करेंगे तो भाई इस तरह के विजन है। रोड विजन की बात करें तो फिर इस लाइट को जला के आप गाड़ी चला सकते हो, बट भाई इसको हाईवे पे यूज ना करना क्योंकि ये थोड़ा सा सामने वाले के लिए इशू क्रिएट करेगी। इसके अंदर आप फ्लैशर भी यूज कर सकते हो भाई, ये चेक करो। तो जी नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, भाई कैसे हो आप? होप सो सब भाई बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो इतनी जबरदस्त होने वाली भाई, आपके लिए बनाएंगे आज थार को माफिया थार। भाई एक दबंग थार देखी होगी ना आपने, बिल्कुल वैसी एक माफिया लुक देने वाले एक थार को भाई। कुछ गाड़ी का जो बिफोर कैप्चर है, गाड़ी हमारे पास आई है यूपी नंबर से, तो गाड़ी का बिफोर कैप्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये गाड़ी जो है भले ही 2022 मॉडल है, बट इसमें अगर आप देखोगे ना कि गाड़ी के अंदर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी गाड़ी के अंदर यहाँ पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पहली बार जो काम होगा गाड़ी का वो होगा हमारे पास। तो भाई ये है गाड़ी का कुछ बिफोर कैप्चर। अभी गाड़ी बिल्कुल ऐसी है जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी आती है, तो इसकी इनसाइड भी आपको काम दिखा दूं भाई। अभी अंदर से भी अगर आप देखो ना तो एक बेसिक से सीट कवर लगे हुए, खाली नॉर्मल वाले भी भाई बेसिक लगे हुए, तो इसके अंदर भी हम थाई सपोर्ट वाले सीट कवर लगाएंगे और पूरा का पूरा इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो बिफोर पूरा कैप्चर जो है गाड़ी का, गाड़ी कुछ इस तरीके से अंदर से बिल्कुल रफ एंड टफ जैसे आती कंपनी की, बिल्कुल स्विफ्ट ओवर वो है भाई। फ्रंट लुक की बात करते हैं, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो भी अभी तक छेड़ा नहीं है कस्टमर ने भाई। तो यहाँ पर अभी फ्रंट से भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारा कुछ चेंज करेंगे हम इसके अंदर भाई। ये गाड़ी ना आपको इतने अल्टीमेट लेवल पे मिलने वाली है ना, इसमें अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो हम इसको भी पेंट करने वाले भाई, गाड़ी के अकॉर्डिंगली इसको हम पेंट करेंगे। उसके बाद इसमें आपको फ्यूल के ओरिजिनल 22 इंची के अलॉय देखने के लिए मिलेंगे भाई। यहाँ पर आपको 22 इंची का ओरिजिनल अलॉय भी देखने के लिए मिलेगा, जेन्युइन वाला ओरिजिनल जीएसटी बिल वाला। उसके साथ में इस बार आपको यहाँ पर पीछे का बम्पर भी देखने के लिए मिलेगा बुलोन कंपनी का, जो प्रॉपर मेटल वाला है विद टायर हैंगर के साथ में आएगा। और उसके बाद फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा आपको बुलोन कंपनी का रॉक्स बम्पर जो नया है भाई, अभी इतना जबरदस्त बम्पर है ना। तो ये गाड़ी का कुछ बिफोर कैप्चर आपको दिखा रहा हूँ, आप पहचान नहीं पाओगे भाई। ये ना इतनी दबंग माफिया गाड़ी बनने वाली है ना, वो मिलेगी आपको एक हफ्ते बाद देखने के लिए, क्योंकि अभी इसमें लगभग 5 से 6 दिन लगने वाले मिनिमम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसको लेकर पूरा का पूरा रेडी, तो करिए आप एक हफ्ते का वेट। तो भाई थार की रॉक्स को आने में लगेगा टाइम, लेकिन बुलोन कंपनी के रॉक्स वाली फील बम्पर की भाई यहाँ पर, साथ में हमारी दबंग वाली गाड़ी जो थी ना भाई प्रॉपर माफिया गाड़ी पता है वो होगी रेडी। तो ये देखो भाई ये है हमारी माफिया फील गाड़ी भाई। अगर ये वाली गाड़ी की गारंटी लेता हूँ, ये लुक अगर आपको शोरूम के इनसाइड खड़े होकर डिलीवरी दूं ना गाड़ी की, तो भाई ये वाला काम ना अंदर खड़े होने के बाद कम से कम भी 10 से 12 लाख रुपए का काम होता है भाई। गाड़ी को अगर हम किसी शोरूम में जाकर डिलीवर देते हैं भाई, अगर हम रोड साइड कर रहे हैं ना, तो पता कितने रुपए में? ऑलमोस्ट हाफ रेट के अंदर। काम वही है, वही ब्रांड सब कुछ वही, बट आधे रेट के अंदर पूरा का पूरा काम हो जाता है, या आधे से भी कम में काम हुआ है। आपको सबसे मेजरली चीज दिखाऊं गाड़ी का बल्कीपन देखो भाई। गाड़ी तो आपको थार वाली छोड़ो, मतलब एक प्रॉपर आपको पूरी की पूरी ना रेगुलर जो बल्कि आते ना, आपको वही वाली फील देगी भाई गाड़ी। या बम्पर देना 4 चांद लगा रखा है गाड़ी के अंदर, और साथ में 22 इंची के फ्यूल के ओरिजिनल अलॉय। तो कुछ भाई हैरान होंगे भाई कि अगर 5-6 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो भाई उसके अंदर फ्यूल के अलॉय कैसे मिल जाते हैं, वो भी जीएसटी बिल वाले 22 इंची के अलॉय। तो भाई सबसे पहले मैं अलॉय दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो। तो यहाँ पर भाई एम्बुलेंस भी निकल रही, तो पहले उसको निकलने देते हैं क्योंकि शोर बड़ा आ रहा है। यहाँ पर 22 इंची के भाई 22.5 प्रॉपर जो फ्यूल का ओरिजिनल विद जीएसटी बिल अलॉय, और उसके साथ में यहाँ पर रोड क्रूजर के सबसे प्रीमियम वाले टायर, मतलब ये कंसेप्ट में आपको 3-4 लाख रुपए का मिलता है मार्केट में भाई। यहाँ तो मैंने पूरी गाड़ी बनवा दी, अगर डिटेलिंग देखोगे ना वीडियो को स्किप करते ना, इतनी चीजें दिखाऊंगा ना गाड़ी के अंदर, आप कहोगे भाई फ्री वाले काम में काम करे क्या, मतलब इतना सस्ता काम भाई। और साथ में सारा कुछ ब्रांडेड भाई, ब्रांडेड मतलब बुलोन कंपनी की ओरिजिनल ग्रिल, बुलोन कंपनी का रॉक्स बम्पर,
और बुलोन कंपनी का नीचे बड़ा वाला रेडिएटर गार्ड भाई, ये चेक करो पूरा वाला, साथ में रैंगलर वाली हेडलाइट। भैया कि नहीं कहा था भाई, ये गाड़ी जब आई थी ना कि भाई मुझे ना माफिया लुक चाहिए गाड़ी में, एक बार रोड पे गाड़ी निकली ना थोड़ी सी दबंग फील है, मतलब लोग ना पलट पलट के देखे, तो वही सीन है भाई यहाँ पर, यहाँ सब पलट पलट के देख रहे गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी में ना कुछ फील ही ऐसी आ चुकी है। ये गाड़ी को देखो भाई, अभी गाड़ी को शायद हो सकता है आपको, क्योंकि हम रोड साइड दिखा रहे हैं भाई, इसको मैं अगर किसी शोरूम में खड़ा कर दूं ना तो गारंटेड बात है ये वाली मॉडिफिकेशन ना बहुत नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन है। डिटेल वाइज मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ बंपर को चेक करो, बंपर में भाई पूरे का पूरे मेटल है। तो भाई सवाल करे भाई ये क्वालिटी क्या है, तो पूरा मेटल का है, डिटेलिंग भी जो है वो भी मेटल के अंदर हो रखी है। यहाँ पर फोकलेट के भी यहाँ पर क्लैंप अंदर बने हुए कंपनी ने, वो भी मेटल के बने हुए, क्यूएट प्रो की फोकलेट लगी हुई है। यहाँ आपको बुलबार थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन में देखने के लिए मिलेगी, जो ऊपर रोल बार जो है हमारी वो थोड़ा सा अलग डिजाइन में देखने के लिए मिलेगी। ये डिटेचेबल भी है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेलिंग देखने के लिए मिल रही है। नंबर प्लेट का फ्रेम जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये जो लुक है वो हिडन हो जाती है भाई थोड़ी देर, तो इसलिए यहाँ पर कंपनी ने नंबर प्लेट का फ्रेम नीचे दे दिया। साथ में आपके डीएनएल भी आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखो तो रैंगलर वाली जो हेडलाइट है वो भाई यहाँ पर बड़ी स्लीक सुंदर लग रही है। उसके साइड साइड में साइड प्रोफाइल भी चलते हैं हम देखिए, क्योंकि फ्रंट लुक जो आपको दिखा दी मैंने, साइड प्रोफाइल में मैंने आपको दिखा दी भाई, यहाँ पर अलॉय साथ में टायर भाई जिस कॉस्टिंग में ये मिलते ना, थोड़ी कॉस्टिंग ऊपर लेके हमने पूरी गाड़ी बना दी। साइड कॉर्नर में आओगे तो भाई यहाँ पर स्पॉट लाइट भी आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी ब्रांडेड जीपी यानी कंपनी की। ऊपर आपको डिफेंडर वाली लाइट देखने के लिए मिलेगी, तो भाई डिटेलिंग भी देखना, कहीं भाई पूछेंगे भाई अगर पैसा लगा तो कहाँ लगा कैसे लगा, मैं आपको इसलिए डिटेल भाई दिखा रहा हूँ भाई। अगर स्पॉट लाइट भी लगाई ना वो भी टॉप एंड ब्रांड की लगाई है जीपी यानी कंपनी की, ऊपर डिफेंडर वाली लाइट लगाई है वो मैं आपको एक बार जला के भी दिखाया था भाई। जिसके संग मिलेगा आपको वायरलेस रिमोट यहाँ पर, इसको आप ऐसे ऑन करेंगे तो भाई इस तरह की विजन है। रोड विजन की बात करें तो सिर्फ इस लाइट को जला के ही आप गाड़ी चला सकते हो, बट भाई इसको हाईवे पे यूज ना करना, क्योंकि ये थोड़ा सा सामने वाले के लिए इशू क्रिएट करेगी। तो कुछ इस तरीके से विजन है भाई इसका। और उसके बाद इसके अंदर आप फ्लैशर भी यूज कर सकते हो भाई, ये चेक करो, तो ये फ्लैशर वाली लाइट भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। एक बार मैं आपको इसको ऑफ करके इसके साथ में आपको ये वाली लुक चला के दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइट भी ना भाई ऑलमोस्ट हेडलाइट फॉगलाइट सबसे मिला के ना एक अकेले का विजन है। ये चेक करो भाई, एक बार मैं भाई को कहूंगा सामने दीवार पे चेक करवाने के लिए विजन, ये चेक करो, मैं आपको ऑफ करके ऑन करता हूँ। ये देखो भाई, मतलब पूरा रोड के पंडित तरफ पूरा चांदना कर रही लाइट, अभी आपको डे टाइम दिखा रहे भाई। अगर रात को दिखाऊंगा ना, रात को तो इसको मैं कहीं भी खड़ी करके जंगल में खड़ी करके जलाऊंगा ना, तो ये दो लाइट ना पूरे जंगल को चार चांद कर देगी भाई रोशनी से। लेकिन मैं आपको सिर्फ डे टाइम दिखाता हूँ इफेक्ट की, गाड़ी के अंदर ना लुक के साथ साथ भाई क्वालिटी और हर एक चीज है। तो ये सब लाइट है भाई एज ए इमरजेंसी, जहाँ आपको ओवर अंधेरा मिल रहा है वहां यूज करने के लिए, नहीं तो ये सामने वाले को भी डिस्टर्ब करती है। उसके बाद गाड़ी में यहाँ पर सबसे मेन चीज भाई ये चेक करो, ऑटोमेटिक फुटरेज भाई 80-80 हजार रुपए के फुटरेज मिलते हैं मार्केट में ये वाले आपको भाई, हमारे पास ना सेल प्राइस में आधे से भी ऑलमोस्ट आधे प्राइस के अंदर ये वाला फुटरेज है, ये चेक करो भाई ऑटोमेटिक फुटरेज गाड़ी के अंदर। तो भाई अभी बातें खत्म नहीं हुई है, आगे आ जाओ। ऑटोमेटिक फुटरेज के बाद आपको सबसे पहले अंदर की जो है आपको बाहर की फील दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर। यहाँ पर पीछे जो टायर लगा हुआ है उसके संग आप चेक करो, टायर के संग संग भाई पीछे का बम्पर भी हमने यहाँ पर लगा दिया। ये देखो भाई गाड़ी के अंदर पीछे बम्पर भी लगा है भाई, बारिश थोड़ी ज्यादा आ गई थी तो इसलिए पानी का फ्लो थोड़ा ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, आज बहुत बारिश थी। ऊपर का स्पॉइलर देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर भाई, ऊपर का स्पॉइलर जो है सिंगल वाला, जो कि डबल वाला डबल टेपे वाला होता है बेसिक होता है, ये प्रॉपर आपको सिंगल वाला देखने के लिए मिलेगा। टेलर भैया की चॉइस थी कि भैया मुझे कुछ ऐसी तरह की टेलर ही चाहिए, तो भाई यहाँ लगा दिए। नीचे वाला बम्पर भाई ये बुलोन कंपनी का बम्पर, साइड में बुलोन का साइन भी देखने के लिए मिलेगा आपको प्रॉपर भाई। ये बम्पर ना मेजरली क्या है आजकल देखिए, पीछे का बम्पर भी क्या है मेटल का, पूरा मेटल का बम्पर हो गया, एक तो सेफ्टी होगी भाई, इतनी जल्दी कोई प्लास्टिक टूटने वाली चीज नहीं है। ऊपर से भाई अगर ये वाला 22 इंची का आप अलॉय लगा रहे हैं तो ये बहुत वाइब्रेट करता है, डिग्गी का वजन जो है ये डिग्गी इसका वजन नहीं झेल पाती है। तो इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने इसको टायर हैंगर के साथ भी लगाया, क्योंकि बम्पर जो है बम्पर हमारा टायर हैंगर के साथ में है। ये वाला आप टायर हैंगर देखेंगे ना भाई, तो अभी पूरे का पूरा टायर का वजन जो है वो इसके ऊपर आ गया है, तो गाड़ी जो है आप चलते हुए वाइब्रेट नहीं करेगी। वाइब्रेट मीन्स कि जब पहले आप गाड़ी चलाते हो तो डिग्गी वो खड़खड़ करती है कि भाई ये वाला टायर का वजन की वजह से, बट अभी ये सेपरेटली काम हो गया, प्रॉपर पूरा जो नीचे का लोहे वाला बम्पर है उसके ऊपर टायर का पूरा लोड आ गया भाई यहाँ पर। तो ये है हमारी कुछ लुक इस तरह के रियर वाली। एक बार चलते हैं दोबारा से साइड प्रोफाइल के संग संग इन साइड के अंदर भाई, जो सबसे प्रीमियम वाला काम है ना वो इसके अंदर फ्रंट लुक के साथ साथ ये देखिए भाई इनसाइड वाला। तो ये इंटीरियर आप हमारे पहले वीडियो में भी देख चुके हो भाई, वो वाली गाड़ी नहीं है बड़ी है, ये भैया को वही वाला इंटीरियर पसंद आया था, तो भैया ने कहा भैया मुझे भी ना एग्जैक्टली सेम इंटीरियर चाहिए यही वाला,
तो आप डिटेलिंग देखो भाई, छत की डिटेलिंग होगी, आर्मरेस्ट हो गए, हर एक चीज चेक करो। मैं आपको डिटेल वाइज भी बताता हूँ, मैं उस साइड से आता हूँ, आपको एक एक डिटेल समझाता हूँ गाड़ी के अंदर की। डिटेलिंग जो है गाड़ी के अंदर इतनी अल्टीमेट है ना भाई। कॉम्बिनेशन की बात करें तो व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिया है यहाँ हमने वाइन कलर के साथ साथ, बट अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे ना तो हर एक चीज डिटेल वाइज है, मतलब हमने पूरा सिंगल कलर यूज किया। डिटेलिंग की बात करें तो हमने यहाँ चेक करो वुडन के अंदर ना व्हाइट कलर का टेक्सचर यूज किया हमने, कि व्हाइट कलर के टेक्सचर के अंदर यहाँ चार चांद लग रहे हैं भाई, यही सेम सीट कवर पे हमने थोड़ा सा टेक्सचर ले लिया। थ्रेडिंग जो है हमने यहाँ पर क्या किया भाई, जो थ्रेडिंग हमारी यहाँ पर है वो हमने व्हाइट कलर की मैच कर दी है। एग्जैक्टली रूफ के ऊपर भी यही कंसेप्ट है, अगर आप चेक करो तो पूरा व्हाइट थ्रेडिंग है। प्लस साथ में जो स्पीकर ग्रिल है ना भाई, ये चेक करो। अच्छा एक चीज देखेंगे आप कि कई लोग इस चीज को पेंट कर देते भाई, पेंट में फील नहीं आती, यहाँ पर हमने इसको भी पूरा लेदर में हाईलाइट किया हुआ। तो भाई ये इंटीरियर, मतलब कुछ भाई पूछते हैं कि भाई इंटीरियर में क्या क्या आता है, इंटीरियर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डिटेलिंग आप देख रहे हो ना, इंटीरियर में कभी भी ऑडियो नहीं आता, लाइटिंग नहीं आती, ये जो आप पूरा इंटीरियर देख रहे हो जिसमें आपका ये कलर कॉम्बिनेशन हो गया, ये डिटेलिंग होगी, सीट कवर हो गए, ये वाला आमरेज आपकी गाड़ी में लगा होता तो ऊपर का पूरा का पूरा टेक्सचर हो गया। पीछे वाला आमरेज आपको दिखाता हूँ, जैसे भाई ये चेक करो, ये देखो आमरेज जैसे गाड़ी में लगा था तो इसको पूरा का पूरा हमने इस तरह से कस्टमाइज कर दिया। पीछे की सीटें, पीछे का मैट, ऊपर नीचे का सब मैट जो हो गए, ऊपर की छत होगी। तो भाई ये इंटीरियर ना आपका पूरी गाड़ी में, जैसे ग्रैब हैंडल लगे थे गाड़ी में हमने लगाए हैं, इसको हमने पूरा वो करके लगाया। तो भाई कलर कॉम्बिनेशन, तो ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन, सीटें, डैशबोर्ड, दरवाजे, छत, पिलर, वुडन, पियानो, ब्लैक कोटिंग, मैटिंग, भाई ये पूरा कॉम्बिनेशन मार्केट में आपको 70-75 हजार रुपए से शुरू मिलता। भाई हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ पूरा इंटीरियर 50 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा भाई आपको, 50,000 में ये वाला इंटीरियर। ये वाला मीन्स कि आपको कोई भी कलर चाहिए, एनी कलर यू वांट भाई, सिंगल कलर चाहिए, डबल कलर चाहिए, जैसा मर्जी कलर चाहिए भाई। आप इंजीनियर बन के हमें समझाना, हम समझेंगे कि आपको क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहिए भाई, हम उस चीज को प्रॉपर करके दे देंगे आपको। उसके बाद यहाँ गाड़ी के अंदर हमने स्क्रीन भी लगाई है, तो यहाँ देखो भाई एक चीज नहीं है, मैं आपको डिटेल वाइज चीजें दिखा रहा हूँ कि एसी वैन K4K, यहाँ आपको ओई फिटमेंट वाली की स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी भाई। यहाँ पर प्रॉपर पियानो ब्लैक के अंदर ग्लॉस डिजाइन के अंदर आता है पूरा, ये पूरा 12.3 इंचीज का पूरा डिस्प्ले है, जो प्रॉपर आपको थार लुक में मिल जाता है, जिसके अंदर आपके अंदर सारे के तरह बटन सिस्टम मिल जाते हैं। आपको एक चीज दिखाऊं भाई, इसके पीछे मीटर का पार्ट देखो कितना डिटेल में गया हुआ भाई, ये वाला मीटर का पार्ट। तो उसके साथ साथ मतलब एक डिटेलिंग देखो कि डिटेलिंग कितनी सुंदर, स्टेयरिंग की क्वालिटी चेक करो भाई, सबसे मेन चीज होती है भाई स्टेयरिंग की थ्रेडिंग, क्योंकि सबसे बारीकी वाला काम जो है ना वो है पूरा का पूरा ये है स्टेयरिंग का, थ्रेडिंग वाला, कि स्टेयरिंग के अंदर क्वालिटी कभी भी नहीं आ पाती ये वाले थार की स्टेयरिंग। तो यहाँ आप चेक करो कॉम्बिनेशन के अंदर पूरी की पूरी क्वालिटी, फिनिशिंग, हर एक चीज भाई। ये नहीं कि पैसे कम कर दिए मार्केट के अंदर तो सब कुछ कम कर दिया भाई, यहाँ पर ना सारा इनहाउस काम है, सारा अपना काम होता है, अपना सब कुछ होता है, तो इसलिए हम प्राइस भी आपको कम देते हैं। ये पूरी की पूरी गाड़ी भाई मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 5.5 लाख रुपए के अंदर ना भाई ये पूरा कंसेप्ट, जिसमें फ्यूल के ओरिजिनल अलॉय 22 इंची के विद टायर। आपको एक बार बताऊं 5.5 लाख में ना हमने इनके वाले टायर अलॉय भी नहीं लिए, अगर आपकी गाड़ी के अंदर जैसे टायर अलॉय लगाया था तो भाई 50 हजार रुपए तो मांग के चलो उनके लेस हो जाते हैं, मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको मैं, तो 5 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन पड़ेगी आपको प्रॉपर एसी वाली। कुछ भाई पूछते भाई प्राइस बता दो, तो मैं इसलिए बीच में प्राइस डाल देता भाई कि आप मुझे डिटेल वाइज पूछोगे तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये पूरी मॉडिफिकेशन भाई वन टू ऑल ऑटोमेटिक फुटर जो आपको 70-75 हजार रुपए के मिलते हैं भाई, ये सारा कॉम्बिनेशन गाड़ी के अंदर सिर्फ सिर्फ भाई आपके अलॉय लेने के बाद ना 5 लाख रुपए, समझ लो इतनी जबरदस्त मॉडिफिकेशन, मतलब ये इंटीरियर आपका सारा कुछ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं ये देख करो भाई डिटेलिंग, ये ऊपर ग्रैब हैंडल को हमने कलर कॉम्बिनेशन भी किया, साथ में इनसाइड का आपका व्हाइट कर दिया। तो यहाँ आप एक चीज देखोगे ना कि यहाँ हर एक चीज ना डिटेल वाइज करते हैं गाड़ी के अंदर। जब आप बैठ रहे हो ना ऊपर की फील में एक बार नजर दोबारा लगवाऊंगा भाई, ये चेक करो जालियां जो है ना वो प्रॉपर व्हाइट कॉम्बिनेशन में इसलिए कि ऊपर डिटेलिंग डालने के लिए। तो ऑल अराउंड की आपका पूरा इंटीरियर ना एक ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर है जो बिल्कुल स्लीक डिजाइन के अंदर। यहाँ देखो तो पूरा पैनल पूरा जितना भी आप देख रहे हो ये वाला, ये सारा का सारा कस्टमाइज है। तो गाड़ी के अंदर वन टू ऑल आपको छोटे छोटे पार्ट भी है ना वो सारे कस्टमाइज देखेंगे। जैसे आप ये देखो स्टेयरिंग में आपने नजर तो मान ली, पर स्टेयरिंग का ये वाला पार्ट देखोगे ना, इस पार्ट को भी हमने यहाँ पर डिटेल में लिया हुआ है भाई। तो ये डिटेलिंग जो है ये नीचे तक आओगे यहाँ तक देखोगे तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये डिटेलिंग आप पार्ट देख रहे हो, तो ये सब डिटेलिंग है हमारी। इवन हर एक चीज डिटेलिंग में आती है। एम्बियंस लाइटिंग हमने इस गाड़ी के अंदर लगाई है, ये चीज जिसमें थार रिटर्न के अंदर। तो कुछ कॉम्बिनेशन अगर आपने यहाँ पर चेंज करना है वो हो सकता है, एसी वेंट यहाँ पर K4 लगे तो गाड़ी के अंदर, क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा सा चार चांद सिस्टम होता है भाई, एकदम इंटीरियर के अंदर इतना खिलखिलावट आती है क्योंकि ये लाइटिंग्स है। उसके बाद ये है गाड़ी की हमारी फ्रंट लुक, और उसके साथ साथ जो हमारा टायर वाल के संग ऑटोमेटिक फुटरेस्ट है हमारा, वो मैंने आपको दिखा दिया। एक बार चलते हैं दोबारा से गाड़ी के फ्रंट लुक के ऊपर। आपको एक चीज और दिखाऊं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ अगर आपको इसके फेंडर जो साइड के आप देख रहे हो भाई, यहाँ साइड फेंडर देखोगे तो आप ये कंपनी से मैट ब्लैक में आते हैं,
बट यहाँ पर हमने इसको ग्लॉस किया प्रॉपर गाड़ी के साथ मैच करता हुआ। और आगे आएंगे तो साइड के मिरर आप देखेंगे, यहाँ पर मिरर भी जो है हमने वो प्रॉपर ग्लॉस किया। यहाँ पर साथ में हमारे जो ये वाले हैंडल है भाई, ये भी हमने ग्लॉस किए। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हमने गाड़ी से पूरा का पूरा मैच किया भाई यहाँ पर, क्योंकि रियर फ्रंट बम्पर मेटल किया तो इसलिए हमने बाकी जितना भी पार्ट था उसको हमने प्रॉपर ग्लॉस कर दिया भाई। ये वाला जो पार्ट है ये हमने अभी ऊपर मैट ब्लैक ही छोड़ा, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर अगर इसको भी ब्लैक करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है। बट ये फिनिशिंग मैट ब्लैक में अच्छी लगती है तो इसको हमने मैट ब्लैक छोड़ा भाई। ओवरऑल एक बार गाड़ी दोबारा से आपको फ्रंट लुक में दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से, लाइटें बंद करके दिखाता हूँ आपको क्योंकि लाइटों की वजह से ये इतना विजन दिख नहीं रहा। मैं आपको एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ। तो अगर किसी भाई को ये वाला बम्पर चाहिए ना तो ये वाला बम्पर भी मिल जाएगा भाई, रेडी स्टॉक में आ चुका है। ये इतना अल्टीमेट बम्पर है ना, आप अब मेरी जितनी भी वीडियोस देख रहे हो भाई उसमें आपको यही वाला बम्पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस भाई को भी ये बम्पर दिखाते हैं ना भाई वो भाई कहता है कि मेरी गाड़ी में यही बम्पर लगाना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा अच्छा काम। हमारा काम था कि हम सोच रहे थे कि भाई इसको थोड़ी सी अच्छी लोकेशन पे ले जाके शूट करेंगे, बट इसमें क्या था कि हमारा आज थोड़ा सा शेड्यूल टाइम टेबल का थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम पेंडिंग रह गए थे गाड़ी के अंदर, भैया भी गाड़ी लेने के लिए आ गए। तो भाई अभी तो ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम आपने देखा है ये वाला, उसके बाद जो कस्टमर रिव्यू है हम उस पर भी चलेंगे, क्योंकि उनसे भी मिलेंगे। गाड़ी वो ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए छोड़ के गए थे तो एक हफ्ते बाद उनका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि गाड़ी जब वो छोड़ के गए थे तो बिल्कुल रो गाड़ी थी। अब जो गाड़ी की फील है पूछेंगे उनसे 2 मिनट के बाद। ये वाली गाड़ी जो है ये वाली गाड़ी है भैया की। भैया कहाँ से आए हो? हमारे हापुड़ से। भैया आए हापुड़ से। सबसे पहले भैया जब गाड़ी छोड़ी थी हमारे पास तो आपने कहा था गाड़ी जो है वो बनानी माफिया स्टाइल, मतलब जो दबंग स्टाइल रोड पे गाड़ी चले। तो थार तो भाई हजारों चल रही रोड पे, लेकिन जो एक बार आंखों के आगे से हट ना पाए भाई वो वाली थार बनानी है भाई। अभी कैसे बनी गाड़ी? अब ऐसी बनी है भाई गाड़ी के हमारे इलाके में तो 7 गाड़ी होगी ना दो भाई, मतलब सबसे मेन बात कि जहाँ आप रहते हो वो आसपास भाई कोई गाड़ी देखने के लिए मिलेगी ऐसी, क्योंकि गाड़ी में ना लुक, मतलब भैया कह रहे हैं गाड़ी नहीं है वहां पर ऐसी, क्योंकि गाड़ी तो देखो बहुत पसंदीदा गाड़ी। हाँ एक्चुअली में क्या है, देख भाई थार तो हर गली में उगने वाली है और मिल गई है आपको, हर जगह हर कोने में थार दिखेगी। बट दबंग थार जो थार का एक्चुअल रूप है वो आता है भाई टायर लगने के बाद और कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन के बाद। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाली लुक भाई, भैया कह रहे हैं ये वाला कंसेप्ट ना पूरे हापुड़ में, भाई हापुड़ इनके पास क्या, पूरे हापुड़ में इवन बहुत रियल जगह पे ऐसी मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलती है आपको। बेसिक चीजें मिलेंगी पर भाई इस नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन भैया कहाँ देखने मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हापुड़ में जी। तो पैसा वसूल है भैया? जी बिल्कुल पैसा वसूल हुआ, दिल खुश हो गया भैया। भैया दिल खुश हो गया, पैसा वसूल हो गया, क्योंकि रोड पे जब गाड़ी निकल रही भाई हर बंदा रुक रुक के गाड़ी को देख रहा है। रियल भैया जो मुड़ रहा भाई गाड़ी को देख रहा है, क्योंकि ये तो कॉमन करोड़पति जगह है जहाँ मॉडिफिकेशन का पूरा यहाँ होलसेल है, फिर भी यहाँ पर लोग भाई इस गाड़ी को ऐसे निहार रहे जैसे डिफरेंट लेवल का एक कंसेप्ट तैयार हो गया। तो वही कंसेप्ट रेडी किया हमने यहाँ पर, एक बार फिर से चेक कराऊंगा गाड़ी को आपको। भाई लाइटिंग की बात करें तो इफेक्ट मैं आपको दिखाया था लाइटिंग का, एक बार दोबारा से थोड़ा सा अंधेरा हो गया, रोड का विजन दिखाया था आपको कुछ। ये हमारी डिफेंडर लाइट का, तो ये डिफेंडर लाइट आपको यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिलेगी। एक बार मैं आपको कॉर्नर लाइट का भी दिखाया था भाई, कि कॉर्नर लाइट जो हमारी खाली पर्टिकुलर जो हमारी जीपीएनई कंपनी की लाइट्स है उसका विजन चेक करो भाई। ये देखो एक बार भाई को राइट में विजन दिखाने के लिए भाई, हेडलाइट तो जलाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइटें यूज कर लो गाड़ी के अंदर। ये देखो भाई लाइट, अभी तो गाड़ियों का रोड पे इतना जमा पड़ा है कि आपको नजर शायद नहीं आ रहा होगा, बट भाई विजन की बात करो ना तो इतना अल्टीमेट हो गया विजन कि गाड़ी के अंदर होगी 4 चार। भाई अगर इससे बढ़िया कंटेंट हमारे को दोबारा मिलेगा तो वो भी लेके आएंगे आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।